किशोरों के मामले में क्या अधिकारिता होती है, ठीक है जी। न्यायालय और सेशन न्यायालय दंडादेश, कौन कौन से दंडादेश दे सकते हैं, ठीक है। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, जो आईपीसी में पढ़े थे ना आप लोग, ठीक है। तो उन चीजों को एक ही विचारण में कई अपराधियों के लिए दोषी होने के मामलों में दंडादेश कैसे दिया जाएगा, शक्तियां प्रदान करने का ढंग क्या होगा, ठीक है। उसके बाद नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी और शक्तियों को वापस कैसे लिया जाएगा, और न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां और उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना, ये धारा 35 में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सीआरपीसी जो है उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर 3 जो है, ठीक है, न्यायालयों की शक्तियां अध्याय 3। तो इसमें देखते हैं धारा 26। तो धारा 26 ये बोलती है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए का भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। उसके बाद बोलता है कि सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा किया जा सकता है। तीसरा देखो, किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणी होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में जो विचारण कौन करेगा वो स्पेसिफाइड है, तो उसके अनुसार जो है वो विचारण किया जा सकता है। तो तीन चीजें देखोगे कि उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा और प्रथम अनुसूची जो है, ठीक है, उसमें जो दर्शित किया गया। जैसे देखोगे तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है जेएमएफसी द्वारा विचारणी होगा तो वो कर सकेगा ऐसे करके, ठीक है। फिर सेकेंड क्लास के द्वारा होगा तो वो कर सकेगा ऐसे करके, तो ये चीजें जो है वैसा हो सकता है। अब देखो, परंतु भारतीय दंड संहिता जो है कि धारा 376 और 376A, 376B, 376C, 376D और 376E जो है के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला जो है वो पीठासीन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि महिला जज हो, मतलब पीठासीन जो है वो महिला हो। अब दूसरा खा देखते हैं कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब क्या किया जाएगा, तो उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, और दूसरा किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणी होना जो है वो प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। तो ये थी धारा 26 जिसमें हमने देखा कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। अब देखते हैं धारा 27 जो है वो क्या बोलता है कि किशोरों के मामले में अधिकारिता, ठीक है, जो अल्प मतलब वयस्क नहीं हुए हैं, ठीक है, किशोर जो है उनके मामलों में किस न्यायालय को अधिकारिता होती है। तो किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज आप निकालें कि मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय ही है, और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। तो यहाँ पे किशोर की आयु के लिए क्या करेंगे आप, 16 वर्ष से कम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इसको सीजेएम बोलते हैं, ठीक है, कि न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1860 या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। अब देखिए धारा 28 जो है वो बोलती है दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कौन कौन से दंड हैं जो उच्च न्यायालय दे सकता है और सेशन न्यायालय दे सकते हैं। तो उपधारा 1 जो है 28 की वो देखें,
कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। ठीक है, तो विधि में अगर विधि अगर प्राधिकृत करता है, ठीक है, किसी दंड को देने के लिए, तो उस हर प्रकाश का हर प्रकार का दंडादेश जो है वो हाई कोर्ट दे सकता है। दूसरा देखें कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा, तो ये टर्म याद रखिएगा ना, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश जो है विधि द्वारा, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु यहाँ पे शर्त है कि उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश, जब भी वो मृत्यु दंड देगा तो उसके लिए क्या होगा, उसको उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी। तो जब भी क्या है, सेशन न्यायाधीश, देखो मृत्यु दंडादेश सेशन न्यायालय क्या दे सकता है, तो दे सकता है, अपर सेशन न्यायाधीश दे सकता है, दे सकता है, ठीक है, लेकिन कब, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता है, तो इस पे ये शर्त लगा हुआ है। और तीसरा देखें उपधारा जो है कि सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है, ये टर्म याद रखेगा, मृत्यु या आजीवन कारावास, ठीक है, यहाँ टर्म देखिए, मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय, ठीक है, दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो इन सब चीजों को एक्सक्लूड करना है यहाँ पे, ठीक है, मृत्यु दंडादेश नहीं दे पाएगा, आजीवन कारावास नहीं दे पाएगा, और 10 वर्ष से अधिक का जो कारावास है उसके लिए दंडादेश नहीं दे पाएगा। उसके बाद जो भी दंडादेश विधि द्वारा प्राधिकृत है वो सभी वो दे सकता है। अब देखिए कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आपकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और, है ना, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, और इसी रैंक में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है उसी में से एक को सीजेएम बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो है, ठीक, तो अब यहाँ देखिए कि मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब हो गया ये सीजेएम का न्यायालय जो है वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के लिए। तो देखिए ये जो चीजें हैं जो सहायक सेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे वो इस पे भी लगे हुए हैं कि मृत्यु दंडादेश नहीं दे सकेगा, आजीवन कारावास नहीं दे सकेगा, और यहाँ पे जो 10 वर्ष की अवधि थी वो यहाँ पे 7 ईयर है ना, 7 वर्ष की अवधि के लिए, तो दंडादेश के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। उसके बाद देखिए कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब जेएमएफसी जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट फर्स्ट क्लास, वो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है, ठीक है, तो 3 वर्ष तक के लिए कारावास का और 10,000 रुपए तक के दंड का। और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है वो क्या कर सकता है, न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक का, ठीक है, और कारावास, ये जो कारावास हुआ और उसके बाद 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। अब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो है वो चीफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कर सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां, और महानगर मजिस्ट्रेट जो है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके लिए, तो जो ये मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, सीजीएम के पावर, ठीक है, और जो महानगर मजिस्ट्रेट होता है वो क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसके जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करेगा। अब देखिए जो धारा 30 है वो बोलती है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, तो पहला देखें कि किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्धारित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी, और दूसरा जहां कारावास का मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया है वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है।
धारा दो ये बताती है कि इस धारा के अधीन अधिनियमित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनियमित की जाने सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगी। तो ये जो दंडादेश मिलेगा आपको वो क्या होगा? अतिरिक्त होगा। अब देखते हैं धारा 31। तो धारा 31 बोलती है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दो सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। तो उपधारा एक देखते हैं कि जबकि विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दो सिद्ध किया जाता है, तो नॉर्मली आप देखें उनके चार्जेस जो रहते हैं है ना, उसके वो दो से ज्यादा ही, मतलब नॉर्मली आप देखेंगे तो दो रहते ही हैं, एक से ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन के लिए क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, ठीक है, तो सक्षमता देखी जाएगी यहाँ पे। दंडादेश दे सकता है जब ऐसे दंडादेश कारावास के रूप में हो, यदि न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंडादेश साथ साथ भोगे जाएंगे, तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक आरंभ होंगे जिसका न्यायालय निर्देश दे सके, ठीक है। तो अपराधों में क्या है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि साथ साथ भोगे जाएंगे अगर ऐसा निर्देश न दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे कि वो एक के बाद एक चलेगा जो दंड है आपका, ठीक है। उपधारा दो देखते हैं कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से ही कि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दो सिद्ध देने के लिए सक्षम था। तो ऊपर की धाराओं में हमने क्या देखा कि कितने तक का दंड वो दे सकते हैं, तो अब यहाँ पे संकलित दंड जो है अगर उस सीमा से बाहर होता है तब का प्रावधान बताया है कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। तो संकलित दंड जो है उसकी सीमा अगर उसके सक्षमता से बाहर हो जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यायालय उच्चतर न्यायालय को उसके विचारण के लिए भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पे परंतु का खंड है देखिए कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडाधीश नहीं किया जाएगा, ठीक। और संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगुने से अधिक ना हो जिसे एक अपराधी देने है ना अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय जो है वो सक्षम। तो जैसे क्या है यहाँ पे 1 वर्ष की अवधि के लिए अगर आपको दंड देने की सक्षमता है तो क्या होगा यहाँ पे, दुगुने से अधिक नहीं हो सकता, तो आप 2 साल से ज्यादा नहीं दे पाओगे, यहाँ परंतु खंड में लिखा है। अब उपधारा 3 ये बोलता है कि किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो उस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश ही समझा जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं धारा 32 जो है वो शक्तियां प्रदान करने का ढंग बताता है। उपधारा 1 जो है वो ये बोलता है कि इस संविधान के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या उच्च या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणता उनके पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। दूसरा देख उपधारा दूसरी देखते हैं कि ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावित होगा जिस तारीख से वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। धारा 33 देखते हैं कि नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी। तो सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा उस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई हैं, जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे चुकी हो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा। अब देखते हैं धारा 34। धारा 34 बोलती है कि शक्तियों को वापस लेना। तो उपधारा 1 देखें, यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को जो उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की गई। उपधारा 2 बोलती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां
प्रदान की गई है। धारा 35 बोलता है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। तो धारा 1 बोलता है कि इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। उपधारा 2, जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन सा है, ठीक है, इस समस्या का निवारण कैसे करेंगे, तब सेशन न्यायाधीश जो होता है लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो कौन डिसाइड कर सकता है, सेशन न्यायाधीश। अब धारा 3 देखते हैं कि जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन सा है, तब यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सीजेएम जो है या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह आदि अवधारित कर सकेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो न्यायालय है उनकी क्या शक्तियां होती है। ठीक है हेमंत सर, तो देखिए।